फ्यू मिनट मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है दी रिचुअल। फिल्म शुरू होती है, पांच दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें से दो का नाम ल्यूक और डॉम होता है। यहाँ पे सारे दोस्त एक बार में बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं। वो हाइकिंग की प्लानिंग करने लगते हैं तो उनमें से एक उनको स्वीडन जाने को कहता है। तब उसकी बात मानकर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ल्यूक को वाइन खरीदने के लिए मॉल में जाते हुए दिखाया जाता है तो वो उनमें से एक को अपने साथ जाने को कहता है। फिर उसका फ्रेंड उसके साथ जाने पर एग्री हो जाता है। वो वाइन खरीदने मॉल पहुँचते हैं और देखते हैं कि कुछ लोगों ने मॉल के ऑनर को प्रिजनर बना रखा होता है। ल्यूक ये देख कर वहीं पर छुप जाता है लेकिन उसका दोस्त वहीं खड़ा रहता है। चोर ल्यूक के फ्रेंड का पर्स ले जाता है और फिर उससे शादी की रिंग मांगता है लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है। इनकार सुनकर चोर उन पर अटैक कर देता है और वो वहीं मर जाता है। ल्यूक इसको छुपते हुए देख रहा होता है लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं करता और ना ही कहता है। उसके बाद हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें चार दोस्त स्वीडन में हाइकिंग के लिए आए हुए होते हैं। जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था, वो यहाँ आना नहीं चाहते लेकिन अपने फ्रेंड की याद में यहाँ आए हुए होते हैं। ल्यूक उन सब में सबसे ज्यादा सैड था क्योंकि वो उस दिन अपने फ्रेंड को मॉल में बचा नहीं सका था। वो अपने दोस्त को याद करते हुए वाइन पीते हैं और फिर पैदल हाइकिंग पर निकल जाते हैं। डॉम का पांव रास्ते में फिसल जाता है और इंजर्ड हो जाता है इसलिए उसे आगे चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो मैप के जरिए आगे बढ़ने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो रास्ता एक जंगल से होकर गुजर रहा था तो वो जंगल के जरिए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ल्यूक को ठीक नहीं लग रहा होता और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि जंगल में खतरा हो सकता है और ल्यूक का कहना है कि वो यहीं किसी को मदद के लिए बुला लेंगे। तभी उसका दोस्त डॉम, जो कि इंजर्ड है, जंगल से जाने पर राजी हो जाता है। फिर वो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक जानवर की लाश दरख्त पर लटकी हुई है। उसे कुछ टाइम पहले ही मारा गया था लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें इस दरख्त पर एक साइन मिला था लेकिन उन्हें वो देखकर ख्याल आया कि शायद इस जंगल में हंटर्स होंगे और उन्होंने इस जानवर को मार दिया होगा जिसे उन्होंने लटकते हुए देखा था। इसी दौरान उन्हें सामने एक कैबिन नजर आता है और वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि जंगल में बहुत बारिश हो रही थी और उन्हें इस कैबिन में कुछ मदद मिलेगी। वो कैबिन तक पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वो उसका दरवाजा तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। ल्यूक जंगल से एक अजीब आवाज सुनता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर उन्हें इस कैबिन में बहुत सी पुरानी चीजें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के रेजिडेंट्स ने इस कैबिन को छोड़ दिया है। फिर उन्हें वही निशान मिलता है जैसा कि दरख्त पर था और उन्हें एक स्टैचू मिलता है जिसका सर नहीं होता और वो खौफनाक नजर आ रहा था। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तब भी वो वहीं रहने पर मजबूर थे। जंगल में तेज बारिश हो रही होती है तो वो वहीं सो जाते हैं। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो अचानक से आसमान में चमकने वाली लाइट रुक जाती है जिसकी वजह से ल्यूक जाग जाता है और वो अपने दूसरे दोस्त को जगाने की कोशिश करता है। ल्यूक अकेले चेक करने जाता है क्योंकि उसका दोस्त बेदार नहीं होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वो इस मॉल में आया है जहां उसका दोस्त मर गया था। फिर अचानक ल्यूक जागता है तो उसका मतलब कि वो ख्वाब देख रहा था पर अब वो रियलिटी में कैबिन से बाहर होता है। फिर अचानक उसके सीने से खून बहने लगता है और वो इर्द गिर्द देखता है कि क्या हुआ है। उसे अपने सीने पर पंजों के निशान नजर आते हैं। वो घबराकर कैबिन के अंदर आता है तो उसके साथ उसके दोस्त भी घबराए हुए होते हैं। फिर उन्हें वहां अपना तीसरा दोस्त नहीं मिलता। ल्यूक उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि उसका दोस्त सामने खड़ा होता है। वो बगैर कपड़ों के होता है और उसकी वर्शिप कर रहा होता है। ल्यूक उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और वो सब वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेते हैं। वो लोग बहुत खामोश और खुद पर शर्मिंदा थे लेकिन आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब उन ट्रीज पर बहुत ज्यादा सिंबल्स बन चुके हैं। वो ये सब देखकर काफी डर जाते हैं। अब वो यहाँ से जाने का इरादा करने लगते हैं। मैप के मुताबिक बाहर निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट की तरफ होता है लेकिन डॉम एक नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए ल्यूक का दोस्त दूसरों को रात के वाकये के बारे में बता रहा होता है। वो सब उसे भूल जाने को कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक और कैबिन मिल जाता है। ये पिछले कैबिन की तरह ही होता है। इस बार वो अंदर नहीं जाते और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
वो जंगल में बहुत दूर चले आते हैं तो डॉम के पाँव में दर्द होने लगता है। उसकी वजह से वो वहाँ बैठ जाता है। वो इन सबको वहाँ रहने को कहता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त कहता है कि हमें जल्द ही ये जंगल छोड़ना होगा, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। ड्यूक रास्ता तलाश करने के लिए इधर उधर देख रहा होता है ताकि वो कोई रास्ता तलाश कर सके। फिर उसे कुछ फासले पर एक अजीब चीज नजर आती है जो हरकत कर रही होती है। ल्यूक उसे देखकर डर जाता है। वो अपने दोस्तों के पास भागता है और उन्हें उस चीज के बारे में बताता है जो उसने देखा था। वो चीज जो हरकत में आई, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है। फिर ल्यूक इस बात को साबित करने के लिए उसके सीने पर लगी चोट दिखाता है। डॉम कहता है कि शायद आप इस जंगल में जाते हुए दरख्त से टकरा गए होंगे, जिसकी वजह से तुम्हें ये चोट लगी होगी। अब डॉम अपने दोस्त ल्यूक को बुरा भला बोल रहा होता है और उस पर गुस्सा हो जाता है। उसकी वजह से वो झगड़ने लगता है। ल्यूक अपना सामान लेकर चला जाता है और उसके दोस्त भी अपने सामान के साथ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए तो जमीन में दफन कुछ चीजें उनको दिखाई देती हैं। वो उनको बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये चीज एक कैंपिंग टेंट है। उन्हें वहाँ एक बैग भी मिलता है जिसमें एक पर्स होता है। उसमें उन्हें एक पिक्चर और एक क्रेडिट कार्ड मिलता है और उसकी एक्सपायरी डेट 1984 की होती है। वो समझते हैं कि शायद ये फैमिली 1984 में यहाँ आई होगी, पर फिर वो शायद यहीं मर गई होगी। उसके बाद दोस्तों को लगने लगता है कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। तब ल्यूक का बेस्ट फ्रेंड उनसे जल्द ही ये जंगल छोड़ने को कहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद रात होने वाली थी तो वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। वो वहाँ टेंट लगा कर सोते हैं। ल्यूक दोबारा अपने दोस्त की मौत का ख्वाब देखता है और इसकी वजह से वो जाग जाता है। इसी दौरान वो खेमे के बाहर किसी को चीखते हुए सुनता है। वो चेक करने बाहर जाता है तो वहाँ अपने दोस्त को ढूंढता है। ल्यूक के दोस्त का खेमा फटा हुआ होता है और वो भी वहाँ से गायब था। तो वो दूसरे दोस्त से उसके बारे में पूछता है। उसका दोस्त जो रो रहा था, वो उसे बताता है कि हमारे दोस्त को एक बड़ा सा आदमी ले गया है। वो बातें कर रहे थे तो उन्हें जंगल से अपने दोस्त की चीखें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें वहाँ कुछ नजर नहीं आता। वो वापस टेंट की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल आते हैं। वो जंगल में खो गए थे। फिर सुबह हो जाती है और वो देखते हैं कि उनके दोस्त की लाश दरख्त पर लटकी हुई है। उसे इसी तरह लटकाया गया था जिस तरह उन्होंने दरख्त पर इस जानवर की लाश देखी थी। वो अपने दोस्त की हालत देखकर डर जाते हैं। उनकी हालत मजीद खराब हो जाती है। वो अपने दोस्त की लाश को नीचे ले जाते हैं और मैप तलाश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मैप था। वो मैप नहीं ढूंढ पाते। ल्यूक का दोस्त कहता है कि हमें उसकी डेड बॉडी को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उसकी डेड बॉडी के साथ यहीं रहूंगा। डॉम उसे ऐसा करने से मना करती है और अपने दोस्त की डेड बॉडी को लकड़ियों से कवर करते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इस कैबिन के अंदर जाने के बाद शुरू हुई। वो आगे बढ़ते हैं तो उनको पानी दिखता है। वो लोग पानी पीने लगते हैं, तभी वहाँ एक बाल्टी देखते हैं और एक इंसान के पैरों के निशान भी देखते हैं, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि यहीं कहीं करीब ही इंसान रहते होंगे। लिहाजा वो आगे बढ़ते हैं। वो थक जाते हैं तो वो कुछ देर वहाँ रेस्ट करने लगते हैं। ल्यूक जंगल का रास्ता चेक करने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाता है और उसे पता चलता है कि वो जंगल से बस बाहर निकल नहीं वाले हैं। वो खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को बताने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि एक खौफनाक क्रिएचर उसके दोस्त उठाकर ले गई है। ल्यूक डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरख्त से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो दोबारा मॉल देखता है, लेकिन इस बार ये उसका ख्वाब ही था। जागते हुए वो अपने दोस्त को डॉम कहता है और उसकी तरफ बढ़ता है। ल्यूक उसे बताता है कि हमारे दोस्त को एक खौफनाक क्रिएचर ले गया है और वो तेजी से दौड़ रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं देख सका। वो डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। उन्हें रास्ते में एक ऐसा रास्ता नजर आता है जिसके इर्द गिर्द टॉर्च लाइट्स जली हुई थी। तभी उन्हें वहाँ अपने दूसरे दोस्त की डेड बॉडी दरख्त पर लटकी हुई मिलती है। ये इसी तरह लटका हुआ था जैसे उनके दूसरे दोस्त की डेड बॉडी को लटकाया गया था। वो डर जाते हैं और इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वो एक कैबिन में पहुंच जाते हैं।
तभी ल्यूक पर कोई हमला कर देता है और जब वो होश में आता है तो वो अपने आप को और डॉम को रस्सी से बंधा हुआ देखता है। ल्यूक कैबिन में एक होल करते हुए बाहर देखता है तो वो वहाँ कबीले के बहुत से लोगों को देखता है। ल्यूक के बाद डॉम को बताता है, वो भी ये सब सुनकर डर जाता है। वो टेबल पर पड़े शीशे को तोड़ता है और ल्यूक से अपनी रस्सी तोड़ने को कहता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, एक बूढ़ी औरत कबीले के लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो बहुत खतरनाक नजर आ रही थी और उसे ल्यूक के सीने पर लगने वाला जख्म दिखाई देता है। वो उसे अपना जख्म दिखाती है। वो ल्यूक को पानी पिलाती है, फिर वो डॉम को देखती ही जाती है, लेकिन उसे पानी पिलाए बगैर चली जाती है। ल्यूक उससे अपने दोस्त डॉम को पानी देने को कहता है, लेकिन खातून उसे इग्नोर कर देती है। फिर वो आगे बड़ी औरत और एक आदमी से कहती है कि मेरे पास डॉम को ले आए। वो डॉम को केबिन के ऊपर ले जाते हैं। ल्यूक डॉम के चीखने की आवाज सुन रहा होता है, तब उस कबीले की एक लड़की ल्यूक के पास आती है। वो ल्यूक से कहती है कि वो आपके दोस्त को कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं। वो डॉम को वापस लाते हैं, जहां हम देखते हैं कि टॉर्चर की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होती है। डॉम का कहना है कि वो मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद इस कैबिन को जला दोगे। उसके बाद सुबह हो जाती है और वो डॉम को पोल से बांध देते हैं। इसके बाद वो इस क्रिएचर के आने का इंतजार करते हैं। ल्यूक कैबिन में अपनी रस्सी खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि वो इस रस्सी को खोलता, वो जानवर आ जाता है और कबीले के लोग उसे देखकर झुक जाते हैं। ल्यूक ने अपने हाथ की रस्सी खोल दी होती है और डॉम दूसरी तरफ अपनी बीवी का ख्याल सोच रहा होता है, लेकिन वो ये क्रिएचर थी जो उसकी बीवी के रूप में उसके सामने आती है। क्रिएचर वहाँ से डॉम को वहाँ से ले जाता है और इसे भी ट्री से लटका देता है। फिर डॉम वहीं मर जाता है। ल्यूक को दिखाया जाता है कि कबीले की लड़की उसके पास आती है और वो उससे डॉम को दरख्त से नीचे लाने का कहती है, लेकिन लड़की इनकार करती है और कहती है कि हम डेड बॉडीज को नहीं छू सकते। ल्यूक उससे इस क्रिएचर के बारे में पूछता है और वो बताती है कि ये क्रिएचर फॉरेस्ट गार्ड है और वो यहाँ एक तवील अरसे से रह रहा है। इसने आज तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए सब उसे अपना गॉड समझते हैं। आपके सीने पर इस निशान की वजह से आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आपको हमारे साथ रहना है। और बताती है कि हमारा ग्रुप हर साल जंगल के गॉड की पूजा करता है। ये क्रिएचर मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है और इनमें से किसी एक को जंगल में हमारे साथ रहने के लिए चुनता है, जैसे उसने तुम्हें इस बार चुना है। तुम्हारे सीने पर वो निशान इस ग्रुप का निशान है। जो क्रिएचर की प्रे करते हैं वो उसकी ख्वाहिशात को पूरी करता है, ये उसे इमॉर्टल भी बना देता है और बदले में हमें इंसानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तब ल्यूक उससे पूछता है कि जंगल के गॉड ने उसे क्यों चुना है। वो कहती है, दूसरों से मुकाबला करें कि तो तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है और अंदर ही अंदर एहसास जुर्म है, और क्रिएचर का मतलब है कि जंगल खुदा ऐसे लोगों को ही चुनता है। आज रात तुम पर भी एक रिचुअल होगा और तुम्हें उसके आगे झुकना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें दरख्त के साथ लटका दिया जाएगा। ल्यूक ये सुनकर चौंक जाता है और लड़की ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ल्यूक किसी तरह ऊपर वाले कमरे में जाता है और वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज देखता है। वो सूख चुके थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे क्योंकि वो क्रिएचर की वजह से अमर हो गए थे। ल्यूक इन डेड बॉडीज को आग लगाता है और वहाँ से निकल आता है। बूढ़ी औरत उसे देखती है, लेकिन वो उसे घोंसा मारता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। उसे वहाँ एक गन मिलती है तो वो वहाँ एक आदमी को खत्म कर देता है जो उसका रास्ता रोकता है, लेकिन ल्यूक देखता है कि क्रिएचर ने कबीले की लड़की को खत्म कर दिया है। जैसा कि उसने ल्यूक को सब कुछ बता दिया है और ये असूल के खिलाफ था। अब ल्यूक दूसरे दरवाजे से बाहर आकर क्रिएचर को गोली मार रहा होता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसे देखकर ल्यूक खौफजदा होकर वहाँ से भागता है और वो विजन दोबारा देखता है जो उसने पहले देखा था। इसकी वजह से ल्यूक वहाँ से भाग नहीं सकता था और क्रिएचर ल्यूक को पकड़ लेता है, फिर उसे उठाते हुए नीचे फेंक देती है। उसके बाद उस पर हाथ रखकर रिचुअल अदा करता है। ल्यूक को करीब ही एक कुल्हाड़ी नजर आती है और वो उसकी मदद से क्रिएचर पर हमला करता है। वो किसी तरह वहाँ से भागता है और कुछ दूर चलता हुआ जंगल के किनारे पर आ जाता है। इसी तरह वो जंगल से निकल आता है। फिर हमें ये पता चलता है कि ये क्रिएचर जंगल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए अंदर से एक चीख उठती है। ल्यूक आगे बढ़ता है और बहुत सी कारें देखता है। इसका मतलब है ल्यूक शहर पहुंच गया था। ल्यूक इस जगह महफूज और सेहतमंद था। ये फिल्म इसके साथ यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।